सच साहस सरोकार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्कूल अपग्रेड करने को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, का इस स्पीड से लग जाएंगे 100 साल। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया पिता राजीव गांधी को याद, ट्विटर पर लिखा भावनात्मक पोस्ट। भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम हेमंत बिस्वा सरमा के पाक वाले बयान से भड़के भूपेश बघेल, आरएसएस से किया सवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर कल टोक्यो में भारत जापान 2+2 मंत्री विस्तृत वार्ता में होंगे शामिल। श्रीलंका से मिली हार के बाद रोहित शर्मा ने कहा टीम को 10-1 रन बनाने की थी जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। देश भर में आयकर विभाग की तरफ से 173 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में 3 जगह छापेमारी की गई और लखनऊ में भी आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। बता दें कि लखनऊ में गोपाल राय के घर पर आईटी की छापेमारी की गई है। गोपाल राय राष्ट्रीय समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके हुसैनगंज के छितवापुर लाल कुआं में आवास पर छापेमारी की गई है। हरदोई में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। डिप्टी सीएम ने निराश्रित गौ आश्रय स्थल का नया मुबारकपुर ब्लॉक अहिरोरी का भी निरीक्षण किया। गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र में महिला उत्पीड़न का एक ताजा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विजयनगर थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में रहने वाली युवती के साथ बिलाल नाम के युवक सरेरा जबरदस्ती कर रहा है। वहीं लड़की का आरोप है कि युवक ने एक साथ लड़की की कमर पर तमंचा लगा रखा है। बता दें युवती ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे आहत होकर युवती ने एसपी और सीएम से मदद की गुहार लगाई है। खबर अमेठी से है, जहां चलती हुई पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में 3 युवक पटरी पर गिर गए, जिसके चलते 2 युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है, जबकि दोनों मृतक युवक की लाश को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में डॉक्टर के एन मोदी फाउंडेशन के शिक्षण संस्थानों के सिस्टम हैक कर छात्रों के डाटा चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विदेशी वायरस लॉकबीट ब्लैक को संस्थान के डाटाबेस में भेजा गया, इसके बाद सारे डाटा को चोरी कर लॉक कर दिया गया। साथ ही मैसेज भी छोड़ा गया, यदि डाटा को रिकवर करना है तो $1 मिलियन रकम देनी होगी। संस्थान के आईटी हेड संदीप यादव की शिकायत पर पुलिस जाँच कर रही है। गोरखपुर में ओवरब्रिज के फुटपाथ पर टन लेते समय तेज रफ्तार कार सो रहे मजदूरों पर गाड़ी चढ़ गई, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक मजदूर और हादसे में घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हरदोई में शहर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी में कर्ज के लेन देन को लेकर चलते एक मुनीम ने दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मरने से पहले मुनीम ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने जिन लोगों से उसने कर्ज ले रखा था उसका जिक्र किया, साथ में पत्नी और दोनों बेटियों का ख्याल रखने और उनकी शादियों में सहयोग करने की अपनों से गुजारिश की है।
हरदोई में कोतवाली देहात के इटौली गांव में लोगों ने वहां घूमकर एक युवक को बच्चा चोर समझकर दबोच लिया। बता दें कि ग्रामीणों ने युवक को हैंडपंप में बांधकर उसकी खूब पिटाई की। इस बीच वहां पुलिस ने पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। इस मामले में एसएसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। थाना कोतवाली देहात का मामला है। एक युवक है जिसका विपिन नाम है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। ये गांव से आ रहा था, वहां पे कुछ लोगों ने, गांव वालों ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की है। पुलिस को जिसे सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा जो भी लोग इस तरह के अनावश्यक किसी को मारपीट करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, चोर होने की आशंका जताई ग्रामीणों ने, कैसे देख रही है पुलिस? नहीं, इसके अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और जो भी आरोप हैं गांव वालों को उसको हम लोग जांच करेंगे और जो होगा उसके आधार कार्रवाई करेंगे। मथुरा में थाना रिफाइनरी पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के इंद्रपुरम कॉलोनी में विनीत सोनी के साथ दिनांक 4 को एक मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा, जबकि वो मॉर्निंग वॉक करके लौटे थे, उनके घर के सामने से उनकी चैन तोड़ लिए थे। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एसओजी और रिफाइनरी की पुलिस लगाई गई थी। आज इनको ये सूचना मिली कि बदमाश यहाँ पुनः कुछ घटना कर सकते हैं। इस सूचना पर इन लोगों द्वारा यहाँ एम्बुश लगाया गया था। जब इन लोगों द्वारा एक मोटरसाइकिल आते हुए देखी और उसको रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। फायर का जवाब पुलिस पार्टी ने दिया, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम अजय उर्फ अज्जू है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको गिरफ्तार किया गया है और चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।